गुड मॉर्निंग सावी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में पढ़ाए थे आपको फ्रैक्शन का उल्टा, भिन्नों का उल्टा और भिन्नों की समानता। आज है फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट, भिन्नों का छोटा रूप या साधारण रूप। आइए देखते हैं, किसी भिन्न को बड़ी से बड़ी भिन्न हो उससे जब हम छोटे रूप में लिखते हैं वह उसका छोटा भाग होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, लिखा है 8/12, एक भिन्न है। इसको छोटा करने के लिए जितना संख्या से हम ऊपर भाग देंगे अंश में उतना से हर देना होता है। मान लीजिए हमने 2 भाग दिया, 2 × 8 कट गया, तो 2 भाग देंगे, 2 × 12, और इसका फिर छोटा करेंगे, फिर 2 भाग देंगे, 2 × 4, 2 × 3 = 6, बराबर हो गया 2/3। अर्थात 8/12 का छोटा रूप हो गया लोएस्ट टर्म क्या हो गया 2/3, क्या हो गया 2/3, 8/12 का लोएस्ट टर्म हो गया 2/3, ये हमारा छोटा रूप। आइए देखते हैं दूसरे उदाहरण में, मान लीजिए एग्जाम्पल है, क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोएस्ट टर्म, विच ऑफ द फ्रैक्शन फ्रैक्शन फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोएस्ट टर्म लिखा रहा है उदाहरण में कि नीचे दिए गए भिन्नों को छोटे रूप में लिखिए। पहला है 4/14, दूसरा है 5/13, तीसरा है 21/18, चौथा है 20/35। आइए देखते हैं सोल्यूशन में हो गया, पहला 4/14 का करेंगे तो हम बताया आपको, हम उसके लोएस्ट करने के लिए जिस संख्या से ऊपर उड़ा करेंगे वो भाग देंगे, उस संख्या से नीचे भी भाग देंगे। जैसे 4/14 भाग दिया, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, और क्या हो गया 2/7, तो हो गया हमारा 4/14 का लोएस्ट हो गया 2/7, क्या हो गया 4/14 का लोएस्ट फॉर्म हो गया 2/7। ऐसे ही दूसरा है 5/13, दूसरा क्या है 5/13। अब यहाँ 5/13 है, ये लोएस्ट फॉर्म है इसका, क्योंकि न 5 में कुछ संख्या भाग जाएगी न 13 में, दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए 5/13 सोल्यूशन में है, 5/13 आर लोएस्ट फॉर्म क्या होगा 5/13 होगा। अब 5/13 से छोटे कोई भिन्न नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा 5/13 होगा। अब तीसरा है 21/18, क्या है 21/18, अब 21 काटेंगे तो 3 से 21, 3 × 18,
कट गया, आ गया 7/6, तो हमारा हो गया 21/18 आर लोएस्ट टर्म हो गया 7/6। क्या हो गया? तो हो गया 21/18 का लोएस्ट टर्म 7/6, ने काट दिया, छोटा हो गया। आगे है चौथा, बीस बटे पैंतीस। क्या है? 20/35। चौथा हमारा है 20/35। तो क्या करेंगे, 20/35 का काटेंगे, तो 5 4 5 20 और 7 5 35, 5 से दोनों भाग दिया, आ गया 4/7। तो हमारा हो गया 20/35 एल हो गया 4/LT, लोएस्ट टर्म हो गया 4/7। क्या हो गया? 4/7 हो गया। तो हमने बताया आपको भिन्नों का छोटा रूप, किसी भिन्न को छोटा करने के लिए उसके यही क्या है, टर्म है। और है अगला उदाहरण देखिए, आगे फिर दूसरा एग्जाम्पल है, कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू दियर लोएस्ट टर्म। रिड्यूस एग्जाम्पल है, कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द डियर टू डियर लोएस्ट टर्म। दिए गए नीचे के जो भिन्न हैं उनको हमको छोटे रूप में दिखाना है। क्या है? पहला है 24/36। क्या है? 24/36। दूसरा क्या है? 42/70। क्या है? 42/70। अब देखिए ये अब पहला सोलूशन देखिए क्या है। पहले का 24/36 है। अब हम ऐसे सोने ढूंढेंगे जो दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेगा। तो क्या है, 6 चौक 24 6 चौक 36, दो से काटेंगे 12 दुना 24 18 दुना 36, फिर 2 से 2 छक्का 6 दुना 12 9 दुना 18, फिर 2 से 3 3 दुना 6 और 3 3 का 9, अगर बराबर 2/3। तो हो गया हमारा 24/36 का लोएस्ट टर्म है। क्या हो गया? 24/36 का लोएस्ट टर्म हो गया 24/36 का LT हो गया 2/3। क्या हो गया? 2/3। अब दूसरा है 42/70। दूसरा क्या था? 42/70। ये देखते हैं, दूसरा है 42/70। वही अगर में लिखेंगे सोलूशन में 42/70 दोष करेंगे तो 21 दुनी 42 और 35 दुनी 70, फिर 7 3 का 21 5 7 35, 3 7 21 और 5 7 35, बच क्या गया 3/5। तुम्हारा हो गया 42/70 का लोएस्ट टर्म हो गया, क्या हो गया? 3/5। इस तरह ने देखा कि
भिन्नों का लोएस्ट टर्म, हमने भिन्नों को छोटे रूप में दिखा दिया। अब ये आपके उदाहरण थे, ये बात सुन लीजिए, किसी भिन्न को छोटा करने के लिए या उसको लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट टर्म में करना है तो ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो अंश और हर दोनों को डिवाइड करे। ये नहीं कि अंश दूसरे संख्या काटें और हर को दूसरे संख्या, ऐसे नहीं हो सकता है। जब भी करेंगे, जैसे मान लो यही था कि 42/70 है तो हमने भाग दिया 2 से, 21 × 2 = 42 और 15 × 70 हमने 2 से भाग दिया तो 21 आया ऊपर और नीचे 35। फिर हमने भाग दिया उसके और चला गया तो 3 से भाग दिया, 3 × 21 और 5 × 35 आ गया। तो हमने अर्थ हो गया किसी भिन्न को लोएस्ट करने के लिए जिस संख्या से ऊपर भाग देंगे उस संख्या से नीचे भाग दे। इस वीडियो में तक के लिए धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे।